आज की ये वीडियो आप सभी के लिए बहुत इम्पोर्टेंट होने वाली है, क्योंकि आज हम जानेंगे कि हॉस्पिटल्स में सबसे ज़्यादा कौन से इंजेक्शन यूज़ किए जाते हैं। तो आप सभी को इनके बारे में पता होना चाहिए। ये वीडियो केवल आपकी इन्फॉर्मेशन के लिए है, आपको इनमें से कोई भी इंजेक्शन खुद से ट्राई नहीं करना है। तो देखिए, यहाँ पर हमने केवल उन्हीं इंजेक्शन्स को लिया है जो कि हॉस्पिटल्स में सबसे ज़्यादा यूज़ किए जाते हैं। तो यहाँ पर पहला इंजेक्शन है डाइक्लोफिनेक इंजेक्शन। ये एक एनाल्जेसिक है, यानी कि पेन किलर। इसका यूज़ बोन एंड बॉडी पेन, यानी कि यदि हड्डियों में दर्द हो और शरीर में दर्द हो, या फिर किडनी स्टोन का पेन हो, तो उसमें इसका इस्तेमाल किया जाता है। और इसका ब्रांड नेम जो कि काफ़ी कॉमन है, डायनापार। ये डायनापार नाम से अस्पतालों में मिल जाता है। तो ये एक एनाल्जेसिक इंजेक्शन है जो कि हॉस्पिटल्स में बहुत ज़्यादा पेन को कम करने के लिए यूज़ किया जाता है। अब हम बात करते हैं एब्डोमिनल पेन इंजेक्शन, यानी कि ऐसे इंजेक्शन जो कि यदि किसी के पेट में दर्द होता है, भले ही वो उसका कारण कुछ भी हो, तो उसमें कौन कौन से इंजेक्शन यूज़ किए जाते हैं। तो देखिए, अस्पतालों में मुख्यतः तीन तरह के इंजेक्शन यूज़ किए जाते हैं। इसमें पहला है डाइसाइक्लोमीन, दूसरा है ड्रोटावेरिन एंड तीसरा है हायोसिन। तो ये तीनों इंजेक्शन पेट में दर्द के लिए अस्पताल में यूज़ किए जाते हैं। तो सबसे ज़्यादा इसमें डाइसाइक्लोमीन इंजेक्शन यूज़ किया जाता है। यदि इससे आराम नहीं मिलता है, तो इसके बाद ड्रोटावेरिन इंजेक्शन का यूज़ किया जाता है, और लास्ट में हायोसिन इंजेक्शन का इस्तेमाल किया जाता है। तो ये सभी एब्डोमिनल पेन के लिए यूज़ किए जाते हैं। इसके बाद यहाँ पर है एंटी एमेटिक इंजेक्शन, यानी कि ऐसे इंजेक्शन जो कि उल्टी या फिर वोमिटिंग के लिए अस्पताल में यूज़ किए जाते हैं। तो यहाँ पर हमने तीन तरह के मुख्य इंजेक्शन लिए हैं जो कि हॉस्पिटल्स में यूज़ किए जाते हैं। तो यहाँ पर पहला है डोमपेरिडोन, तो ये बहुत ही कॉमन इंजेक्शन है जो कि उल्टी आने पर दिया जाता है या लगाया जाता है। दूसरा है ओंडासेट्रॉन, तो ये एमेसेट नाम से काफ़ी फेमस है, ये इसका ब्रांड नेम है और इसी नाम से ये मिलता है। और तीसरा है यहाँ पर मेटाक्लोप्रोमाइड। तो ये तीन इंजेक्शन है जो कि एंटी एमेटिक हैं या फिर उल्टी के लिए अस्पतालों में यूज़ किए जाते हैं। इसके बाद यहाँ पर हम बात करते हैं एंटीबायोटिक इंजेक्शन के बारे में, यानी कि ऐसे इंजेक्शन जो कि इन्फेक्शन के लिए दिए जाते हैं या फिर बैक्टीरियल इन्फेक्शन के लिए यूज़ किए जाते हैं। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट इंजेक्शन होते हैं, जब किसी में इन्फेक्शन हो जाता है या फिर किसी की सर्जरी होती है, तो उस समय इनका यूज़ किया जाता है। और इसकी बहुत ही बड़ी क्लास है, हर डॉक्टर की चॉइस अपनी अलग अलग होती है, लेकिन यहाँ पर हम केवल ऐसे इंजेक्शन के बारे में बात करने वाले हैं जो कि सबसे ज़्यादा यूज़ किए जाते हैं। यहाँ पर पहला है जेंटामाइसिन, दूसरा है एमाइकासिन एंड तीसरा है सेप्टिक्सोन। तो ये तीनों इंजेक्शन हैं जो कि सबसे ज़्यादा यूज़ किए जाते हैं इन्फेक्शन के लिए। इसमें से जो तीसरा इंजेक्शन है सेप्टिक्सोन, इसे यूज़ करने से पहले पेशेंट पर इसका एलर्जी टेस्ट किया जाता है, क्योंकि ये हर किसी को सूट नहीं करता है। अब हम बात करते हैं एंटी एलर्जिक इंजेक्शन के बारे में, यानी कि ऐसे इंजेक्शन जो कि एलर्जी के लिए दिए जाते हैं। तो एलर्जी कई तरह की हो सकती है, जैसे कि खुजली हो जाना, दाने हो जाना या फिर नाक बहना। तो एलर्जी कई तरह से हो सकती है, तो इसके लिए मुख्यतः तीन तरह के इंजेक्शन यूज़ किए जाते हैं। इसमें पहला इंजेक्शन है फेनिरामीन मैलिएट इंजेक्शन, तो ये आपको एविल नाम से मिल जाता है, जो कि काफ़ी कॉमन है, इसकी टैबलेट भी आती है। लेकिन यहाँ पर हम इंजेक्शन के बारे में बात करने वाले हैं जो कि एमरजेंसी केस में दिए जाते हैं। इसके बाद दूसरा इंजेक्शन यहाँ पर डेक्सामेथासोन, जो कि एक स्टेरॉयड है, एंड तीसरा है यहाँ पर बीटा मेथासोन। तो ये तीनों ही एलर्जी के रूप में हॉस्पिटल्स में यूज़ किए जाते हैं, तो ये बहुत ही कॉमन इंजेक्शन है। अब हम बात करते हैं इंजेक्शन फॉर गैस्ट्राइटिस, यानी कि हमारे पेट में एसिड का बनना, या फिर GERD यानी कि गैस्ट्रो इसोफेगियल रिफ्लक्स डिसीज़। तो कुछ ऐसी कंडीशन होती है जब हमारे पेट में एसिड ज़्यादा बनने लगता है, तो उसे कम करने के लिए कुछ इंजेक्शन दिए जाते हैं। तो नॉर्मली आप यदि अब आपके पेट में गैस बनती है या फिर एसिड बनता है, तो आप टैबलेट लेते हैं, लेकिन हॉस्पिटल्स में एमरजेंसी केस में इंजेक्शन दिए जाते हैं, जिसमें दो तरह के इंजेक्शन मुख्यतः यूज़ किए जाते हैं। तो पहला यहाँ पर रैनिटिडीन, तो ये रैनटेक नाम से मिलता है, जो कि इसकी काफ़ी फेमस ब्रांड है। और दूसरा यहाँ पर पेंटाप्राजोल, ये पेंटोसिड नाम से काफ़ी फेमस है। तो ये दोनों इंजेक्शन गैस्ट्राइटिस के लिए यूज़ किए जाते हैं। इसके अलावा कुछ और ऐसे इंजेक्शन हैं जो कि अस्पताल में बहुत ज़्यादा यूज़ किए जाते हैं, जैसे कि यहाँ पर है ट्रेंक्सामिक एसिड इंजेक्शन। इसका यूज़ ब्लीडिंग को रोकने के लिए किया जाता है, यदि किसी का खून बहुत ज़्यादा बहता है, वो रुकता नहीं है, तो ऐसी कंडीशन में ये इंजेक्शन लगाया जाता है। और इसका एक पॉपुलर ब्रांड नेम है ट्रिनेक्सा, ये इस नाम से काफ़ी ज़्यादा यूज़ किया जाता है। इसके अलावा हॉस्पिटल्स में एक विटामिन का इंजेक्शन भी बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है, जिसका नाम है मिकोबालामीन इंजेक्शन। इसमें विटामिन B12 होता है, और इसे हम ताकत का इंजेक्शन के नाम से भी जानते हैं। और इसका काफ़ी फेमस ब्रांड नेम है न्यूरोकाइंड, ये न्यूरोकाइंड नाम से काफ़ी फेमस है और हॉस्पिटल्स में इसका यूज़ किया जाता है। इसमें विटामिन B12 होता है और हम इसे ताकत का इंजेक्शन भी कहते हैं। तो आज की वीडियो में हमने कुछ ऐसे इंजेक्शन के बारे में बात की है जो कि हॉस्पिटल्स में बहुत ज़्यादा यूज़ किए जाते हैं। तो ये सभी जानना आपके लिए बहुत ज़रूरी था, तो इसलिए हमने इस पे वीडियो बनाई है।
तो आगे भी हम इस तरह की वीडियोस आपके लिए बनाते रहेंगे, इसलिए यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे आगे भी आपको हमारी वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहें। थैंक यू वेरी मच।